हाय एवरीवन, तो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो होने वाला है एक कुर्ता सेट, कुर्तियाँ भी है एंड फ्लेयर गाउन भी है। तो उस अकॉर्डिंग फेस्टिवल आने वाला है, तो उस अकॉर्डिंग मैं आपके साथ सब मिक्स में लेके आई हूँ। और ये है ब्रांड, इंडिया से भी है, बीवा से भी है, और ये जो मैंने परचेज़ किए हैं ये आजियो से परचेज़ किए हैं। मैंने कई बार आप लोगों के मुझे कॉमेंट आते हैं कि मैम आजियो की जो डिलीवरी है काफ़ी लेट हो रही है, मतलब काफ़ी टाइम लग रहा है। लेकिन मैं सच बताऊँ, मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैंने आजियो से ऑर्डर किया था उससे 3 से 4 दिन में मुझे डिलीवर हो गया था। मैक्सिमम 5 to 6 days लगते हैं डिलीवर होने में, शायद हो सकता है एरिया का डिफरेंस होता है तो उस अकॉर्डिंग। बाकी डिलीवरी तो फास्ट ही हो रही है आजियो की। और आजियो की रिटर्न पॉलिसी के बारे में नहीं पता है तो मैं बता दूँ कि 30 days के अंदर आपको ये रिटर्न करना होता है। और रिटर्न मतलब या तो नेक्स्ट डे पिक हो जाता है, सेम डे पिक हो जाता है, और सेम मतलब जब आप रिटर्न डालते हो उसके तुरंत आपको पैसे रिफंड मिल जाएगा आपके अकाउंट में, या फिर 1-2 दिन में तो मिल ही जाता है। तो रिटर्न प्रोसेस है जो काफ़ी फास्ट है आजियो का, तो मुझे तो कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और इनके जो मैंने ड्रेसेस परचेज़ किए हैं ये एक्चुअली मुझे रिसीव तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन मैं वीडियो आपके साथ अब शेयर कर रही हूँ। हो सकता है थोड़ा प्राइस में डिफरेंस हो जो। एंड एक चीज़ मुझे आपको ये बतानी थी, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो फॉर मोर अपडेट्स, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, मैं स्क्रीन पे भी डाल दूँगी, जिससे आपको मैं जो कुर्तियाँ आपके साथ शेयर करती हूँ उनकी फ़ोटोज़ वगैरह वहाँ पर मिल जाएंगी। मैं मोस्टली सभी की फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करती रहती हूँ, तो इसलिए आप वहाँ जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए फॉर मोर अपडेट्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो फिर आपसे वीडियो मिस हो जाती है, तो जो रेड बटन नीचे दिया हुआ है सब्सक्राइब, उसे प्रेस करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। पास में है बेल आइकन, उसे भी प्रेस कर देना, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे मेरी एक भी वीडियो मिस नहीं हो। तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो फर्स्ट वाला कुर्ता मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है ब्रांड इंडिया से, एंड ये बहुत ही खूबसूरत सा डार्क नेवी ब्लू कलर का एक अलाइन कुर्ता है। एंड कुछ इस तरीके का इसमें पैटर्न मिलेगा, नेक इस तरीके की मिल जाएगी, एंड ये वो अनुरेखा वाला जो पैटर्न आता है ना वो ही वाला पैटर्न है इसमें। एंड यहाँ पे इन्होंने पूरा पे गोल्डन प्रिंट किया हुआ है, और स्लीव्स आपको इतनी मिल जाएगी, नेक कुछ इस तरीके की मिलेगी। पूरा अलाइन कुर्ता है, फ्लेयर भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है, मतलब फ्लेयर अलाइन कुर्ता है ये वाला। एंड यहाँ पे इन्होंने नीचे की साइड बॉर्डर दिया हुआ है, सेम बॉर्डर आपको मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा बॉर्डर है, चौड़ाई काफ़ी अच्छी है बॉर्डर की, वही सेम आपको जो है ऊपर जो इन्होंने प्रिंट किया हुआ था वही सेम प्रिंट नीचे किया हुआ है। एंड पूरे कुर्ते में इन्होंने साटिंग की लाइनिंग दी हुई है, इस तरीके की आपको पूरे कुर्ते में लाइनिंग मिल जाएगी। फैब्रिक काफ़ी अच्छा है इस कुर्ते का, सिल्क का फैब्रिक है, और फैब्रिक वाइज इंडिया के कपड़ों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, बहुत ही अच्छे कपड़े आते हैं इंडिया के, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है। एंड इसमें जो मैंने साइज़ परचेस किया है वो है स्मॉल, आपको XL तक का साइज़ मिल जाएगा। आप वहाँ आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के परचेज़ करें। लिंक मैं जितने भी कुर्ते शेयर कर रही हूँ सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लेना। मुझे ये सच में बहुत ज़्यादा प्रिटी लगा, इसका कलर कॉम्बिनेशन रियल में बहुत ज़्यादा प्रिटी है। अब जो नेक्स्ट ड्रेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है स्कर्ट और कुर्ती सेट, ये है ब्रांड बीबा से, एंड आप देखिए कितना प्रिटी है इसका कॉम्बिनेशन भी। तो इस तरीके की कुछ इसमें कुर्ती मिल जाएगी, स्लीवलेस कुर्ती है, एंड ये पूरी कुर्ती जो है जो कॉटन और खादी का फैब्रिक आता है ना वो वाली कुर्ती है। मतलब अगर आप समर्स में वियर करेंगे ना तो काफ़ी अच्छा रहेगा, मतलब अभी तो गर्मी चल रही है उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है ये वाला फैब्रिक, बहुत ही कंफर्टेबल फैब्रिक है ये वाला। एंड इस तरीके का पूरे पे प्रिंट मिल जाएगा, ये जो प्रिंट है ना यहाँ पे जैसे डिज़ाइन किया हुआ है ऐसे बर्ड्स बनाए हुए हैं, पूरे कुर्ते पे इस तरीके के बर्ड्स मिल जाएंगे। एंड इसमें अंदर स्लीव्स नहीं दी रही है, स्लीवलेस ही, इसके अंदर आपको स्लीव्स मिल जाएंगी, इस तरीके की इसमें स्लीव्स अटैच है अंदर, अगर आप स्लीव्स लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं। एंड आपको ये स्लीवलेस कुर्ता मिलेगा, वैसे मुझे ये स्लीवलेस ही ज़्यादा पसंद है, ब्रांड बीबा से है तो बीबा की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहती है, सब जानते हैं। एंड ये वाला कुर्ता कुछ इस तरीके का स्ट्रेट कुर्ता है, एंड काफ़ी अच्छी लेंथ है इस कुर्ते की, यहाँ पर आपको राउंड नेक मिल जाएगी, प्रिंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है प्रिंट, एंड कंफर्टेबल है ये वाला कुर्ता, मतलब बिल्कुल सिंपल में नहीं है, प्लेन कुर्ता नहीं है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके का इसमें ऐसे
डिज़ाइन किया हुआ है, बिल्कुल कैमरे में अगर दिख रहा होगा तो इस तरीके का बिल्कुल डिज़ाइन किया हुआ है। तो इस तरीके की आपको इसमें सिंपल कुर्ती मिल जाएगी। प्लेन बॉटम में आपको कुछ इस तरीके का फ्लेयर प्लाजो मिलेगा, कुछ इस तरीके का इसमें रानी कलर का प्लाजो है, डार्क जो रानी कलर आता है ना वो वाला है। अगर कैमरे में नहीं दिख रहा होगा तो ये डार्क वाला रानी कलर है एकदम, और काफ़ी अच्छा फ्लेयर प्लाजो है। अगर आप इसे वियर करेंगे तो ये बिल्कुल स्कर्ट वाला लुक देता है। मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, देखो इतना मतलब एक पैर का ये इतना चौड़ा वाला प्लाजो है, काफ़ी अच्छा फ्लेयर है इसका। नीचे इसमें वो ही पाइपिंग लगवाई हुई है क्रीम कलर वाली जो कुर्ते में है। तो इस तरीके का प्लाजो मिलेगा एंड पूरे प्लाजो जो है मतलब प्लाजो जो है इलास्टिक वाला है पीछे से। तो इस तरीके का ये वाला प्लाजो है, कॉटन फैब्रिक है, काफ़ी अच्छा प्लाजो है, फ्लेयर प्लाजो है। मुझे फ्लेयर प्लाजो बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो वियर करने के बाद जो स्कर्ट का लुक देता है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहता है। और इस ड्रेस का कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है और ये शायद मुझे अंडर 1500 की मिली है। उस अकॉर्डिंग मुझे ये वाली ड्रेस बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगी, क्योंकि बीबा ब्रांड से है तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लगी ये वाली ड्रेस। तो इस तरीके का इसमें ये वाला प्लाजो मिल जाएगा। एंड दुपट्टे की बात करती हूँ तो दुपट्टा कुछ इस तरीके से ये वाला रैप होके आया है, सिंपल प्लेन दुपट्टा है, वही कॉटन का प्लेन दुपट्टा है। ये वाला पिंक कलर का रानी कलर का दुपट्टा मिलेगा। अभी मैंने इसे ओपन नहीं किया है अभी, मैं तो प्लेन दुपट्टा है इसलिए मैंने इसे अभी ओपन करके आपको नहीं बताया। और फैब्रिक की अगर मैं बात करती हूँ दुपट्टे की, तो रेयॉन का सिंपल फैब्रिक का दुपट्टा है। इस तरीके का आपको ये वाला इसमें दुपट्टा मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट कुर्ता मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये भी है ब्रांड इंडिया से, और इंडिया के कपड़े मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि इनके जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ज़्यादा प्रिटी होते हैं, क्वालिटी अमेजिंग होती है, लेकिन थोड़े कॉस्टली होते हैं इसलिए, लेकिन बहुत ही अच्छे लगते हैं वियर करने पे। तो ये जो है बेबी पिंक कलर का कुर्ता है, बिल्कुल जो लाइट वाला पिंक आता है बेबी पिंक, उस कलर का ये वाला कुर्ता मिल जाएगा। फ्रंट कट कुर्ता है ये वाला इस तरीके से, और पूरे पे इन्होंने जो है ये वाला गोल्डन वाला प्रिंट किया हुआ है। ये वाला प्रिंट आपको पूरे कुर्ते पे मिल जाएगा। यहाँ पे इन्होंने सीक्वेंस वाली लेस लगाई हुई है, वेस्ट पे भी आपको लेस मिल जाएगी। कट में जो फ्रंट कट इन्होंने दिया हुआ है पूरे फ्रंट कट में आपको नीचे तक इसमें लेस मिल जाएगी। पीछे से ये वाला कुर्ता बिल्कुल प्लेन मिलेगा, मतलब सेम डिज़ाइन किया है, प्लेन है, कुछ भी लेस वगैरह नहीं है। तो इस तरीके का ये वाला कुर्ता है, स्लीवलेस है ये वाला कुर्ता। एंड मैं आपको बता देती हूँ स्लीव्स है या नहीं है इसमें, तो इसमें आपको कोई भी स्लीव्स नहीं मिलेगी अंदर, बिल्कुल स्लीवलेस आपको ये कुर्ता मिलेगा। अगर आप स्लीवलेस वियर नहीं करते हैं तो ये वाला कुर्ता मत परचेस करना, इसमें अंदर कोई भी इन्होंने स्लीव नहीं दी है। पीछे टाइप करने के लिए, बंद करने के लिए आपको ये वाला बटन मिल जाएगा, राउंड नेट मिल जाएगी। तो इस तरीके का ये वाला कुर्ता है, और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगते हैं ये वाले कुर्ते। जितने ज़्यादा ये लाइट वेट होते हैं लेकिन पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लुक आता है, क्योंकि इसमें ऐसा काम वाम तो किया होता नहीं है कि बहुत ज़्यादा हैवी लगे वियर करने के बाद, इसलिए ये वाले कुर्ते बहुत ज़्यादा लाइट वेट लगते हैं। लेकिन पहनने के बाद अगर आप ओकेज़न में, शादी में, कहीं पर भी वियर करते हैं ना, तो भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लुक आता है इस कुर्ते का। तो ये वाला कुर्ता आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। फैब्रिक की बात करती हूँ तो चंदेरी सिल्क फैब्रिक है, और इनर इन्होंने जो है ऊपर दिया हुआ है, मतलब वेस्ट तक आपको यहाँ पे इनर मिल जाएगा। नीचे इसमें कोई भी लाइनिंग इन्होंने नहीं दी हुई है, और चंदेरी सिल्क फैब्रिक है, फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये हैंड वॉशेबल नहीं है, आपको इसे ड्राई क्लीन कराना पड़ेगा क्योंकि इसका फैब्रिक चंदेरी का है। तो ये वाला कुर्ता आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। वन कुर्ता मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो कुछ इस तरीके का है, एंड ये है ब्रांड इंडी से, काफ़ी अमेजिंग कुर्ता है, बहुत ही प्यारा कलर है। मैं आपको एक बार पास से बताती हूँ, पूरा कुर्ता एकदम सिल्क का प्लेन कुर्ता है, काफ़ी एलिगेंट कुर्ता है। और मुझे सच बताऊँ हैवी से ज़्यादा बिल्कुल एलिगेंट कुर्ते पसंद है, क्योंकि आप इन्हें कैसे भी वियर कर सकते हैं, नॉर्मल से नॉर्मल फंक्शन डे में पहनो और अच्छे से पार्टी में, ओकेज़न में, कहीं पे भी वियर करो, बहुत ही अमेजिंग लुक देते हैं। इसलिए मुझे बिल्कुल सिंपल और एलिगेंट कुर्ते पसंद हैं। तो ये वाला कुर्ता मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगा, लेकिन इसमें मुझे मेरा साइज़ नहीं मिला था। इसमें मेरे मोस्टली स्मॉल साइज़ आता है आपको पता है, लेकिन इसमें एम साइज़ ही अवेलेबल था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं एक्सचेंज करा लूँगी, तो इसलिए मैंने एक बार बताने के लिए, वीडियो में दिखाने के लिए मंगा लिया है, फिर मैं एक्सचेंज करा लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के परचेस करना। तो इस तरीके का राउंड नेट वाला कुर्ता है, यहाँ पे इन्होंने ये वाली जरी की लेस दी हुई है, जरी का काम किया हुआ है पूरी लेस पे। आप देखिए इस तरीके की आपको जो है नीचे तक पूरी लेस मिल जाएगी। सिंपल स्ट्रेट कुर्ती है, पर कलर बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। अगर लाइट में नहीं दिख रहा होगा या फिर कैमरे में, तो ये जो मतलब पिंक कलर आता है ना, वो वाला पिंक कलर है, और बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहा है। सिल्क फैब्रिक है ये वाला
इस तरीके का सिल्क फैब्रिक मिल जाएगा। अंदर इसमें पूरे में कॉटन की लाइनिंग दी हुई है, इसलिए काफ़ी कंफर्टेबल कुर्ता है। 3/4 इसमें आपको स्लीव्स मिल जाएगी, स्लीव्स पे सेम लेस इन्होंने दी हुई है और पूरी स्ट्रेट कुर्ती है। इस तरीके की स्ट्रेट कुर्ती मिल जाएगी। इसको मैं पेयर अप करूँगी स्कर्ट के साथ, प्लाजो के साथ। जैसे मेरे पास बेज स्कर्ट है, बेज कलर की, तो उसके साथ स्कर्ट के साथ, वो भी सिल्क में है, तो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लुक आएगा। तो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा ये वाला कुर्ता। सिंपल है, एलिगेंट है, लेकिन रियली ट्रस्ट मी बहुत ही अच्छा कुर्ता है, पहनने के बाद बहुत अच्छा लुक देगा। तो इस तरीके का आपको ये वाला कुर्ता मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल प्लेन कुर्ती है और पीछे की साइड बिल्कुल कुछ भी नहीं किया हुआ, प्लेन कुर्ती है, पर ये कुर्ती का फैब्रिक बहुत अच्छा है। और घर में आप इसे वॉश तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से, सिल्क फैब्रिक में है ये वाला कुर्ता, तो उस अकॉर्डिंग आप थोड़ा ड्राई क्लीन वगैरह भी करा सकते हैं बाहर से। अच्छा लगा मुझे ये वाला कुर्ता। तो गाइस, आई होप आपको आज का जो मेरा वीडियो है वो पसंद आया होगा, और आप मुझे कमेंट करके बताना आप और क्या देखना चाहते हैं हॉल वीडियोज़ में, आपके आइडियाज़ शेयर करना। एंड आपने जो मुझे कमेंट करके बोला था, काफ़ी मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मुझे काफ़ी डिमांड बोला, मतलब कुर्ते वगैरह उनके लिए डिमांड की थी, तो मैंने वो हॉल वीडियो नोट किया हुआ है एंड मैंने उन्हें ऑर्डर किया हुआ है, पर अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुए हैं। जैसे ही वो मुझे सब रिसीव होते हैं, मैं आपके साथ डेफिनेटली वो वीडियो शेयर करूँगी। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे और थोड़ी भी अच्छी लगे, तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। तो अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।